नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं जो कि न केवल किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों का अपितु सारे विश्व को प्रभावित कर रहा है, और उसका मुख्य कारण खान पियन, हमारा दिनचर्या, हमारी निद्रा यानी नींद और आहार विहार है। तो वह जो समस्या है वो हमारे पाचन तंत्र से निर्मित होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स होती हैं, जो पाचन की समस्याएं होती हैं, जो पाचन की बीमारियां होती हैं, उस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों होती हैं, क्या कारण होते हैं, क्या बचाव हो सकते हैं, किन चीजों को करके हम इन चीजों से ग्रस्त नहीं हो पाएंगे, और किन चीजों को करने के कारण ये चीजें होती हैं, और यदि ग्रस्त हो चुके हैं तो उनका उचित उपचार क्या है, क्या उसका उचित बचाव है, सब कुछ, एवरीथिंग आई डिस्क्राइब, सब कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगा। जरूरत है कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इससे अच्छा वीडियो पाचन तंत्र पर यानी कि इन समस्याओं पर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, डकारें, जलन, मरोड़, ग्रहणी, अमीबियासिस, अफारा, अपच, म्यूकस यानी कि आव, अपच, कॉन्स्टिपेशन, मरोड़, ग्रहणी, ग्रहणी का स्क्रू सिंड्रोम, माल अब्जॉर्प्शन, अमीबियासिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डकारें, इरप्शंस और जलन यानी बर्निंग सेंसेशन। तो इनके अलावा भी पाचन की जो भी समस्याएं हैं उन सब के विषय के बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो एक कॉमन वीडियो है जो सारी समस्याओं को कवर करेगा, सारी समस्याओं पर प्रकाश डालेगा और सारी समस्याओं का कारण आपको बताएगा। यदि वो समस्याएं आपको हो रही हैं तो उसका जो मुख्य कारण क्या है वह मैं बताऊंगा, और यदि आप चाहते हैं कि उन चीजों से आप प्रभावित ना हो तो उनका प्रिवेंशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पहले ही समय रहते बचाव कैसे कर लिया जाए वह मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो सभी चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाचन की समस्याएं ये आज का टॉपिक है। तो पाचन की समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं मुख्यतः होती है? गैस होता है, कब्ज होती है, एसिडिटी, डकारें, जलन, मरोड़, ग्रहणी, अमीबियासिस, अफारा, अपच, म्यूकस आदि। म्यूकस यानी कि जो मल के शांत जो चिपचिपा पदार्थ आता है जिसके कारण जो मल है वो सीप से चिपकता है और दुर्गंधित मल आता है वो म्यूकस के अंतर्गत आता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि ये चीजें आखिर होती क्यों हैं, क्या कारण होता है। तो सबसे पहले अहितान्न सेवन। अब अहितान्न किसको कहते हैं ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ज्यादा मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल का सेवन, जंक और फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना, नॉनवेज यानी मांसाहार का ज्यादा सेवन करना, बासी खाना ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना, असमय खाना आदि। मिर्च मसाला, कई लोग होते हैं जो तीखा बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च, बहुत ज्यादा तीखा उनको चाहिए, चटपटा उनको चाहिए, ज्यादा खटाई खाते हैं, खट्टा खाते हैं, ज्यादा ऑयली फूड्स यानी ज्यादा तेल की चीजें उनको पसंद होती है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसा, आलू बड़ा जैसी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, अत्यधिक चाय पीना मतलब अत्यधिक चाय पीने का अर्थ है 10 से 12 बार उससे ज्यादा चाय पी लेना, 3-4 बार, 2-3 बार चाय यदि व्यक्ति पीता है, सुबह शाम पीता है, कोई दोष नहीं है, पर अत्यधिक चाय पीता है तो दिक्कत है। फिर उसके बाद ज्यादा नॉनवेज खाना, नॉनवेज ज्यादा मटन, चिकन आदि ज्यादा खाने से क्या होता है कि आंतों को ज्यादा बल लगाना पड़ता है उन्हें पचाने के लिए, इससे आंतें कमजोर हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। असमय खाना खाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 12 बजे खाना खाया, उसके बाद 3 बजे फिर खाना खाने लगे, ठूसने लगे, बिल्कुल भरने लगे, कैपेसिटी नहीं है, भूख नहीं लगी, फिर भी सामने खाना आ गया तो खाना खाना है, खाना छूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनने 10 बजे सुबह खाना खाया, रात के 12 बजे खाना खा रहे हैं, इससे क्या होता है, इन सब प्रकार से कुछ लोगों को भूख है भी नहीं तो भी खाना खा रहे हैं, कुछ लोग फालतू में उपवास रख रहे हैं, खाना खा ही नहीं रहे, उपवास नहीं रख रहे यानी खाना खा ही नहीं रहे, मतलब उनको यदि मन हो गया तो खा लिया, अन्यथा नहीं खाया।
तो ऐसी आदतों के कारण हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है वो विघटित हो जाते हैं, उनका बैलेंस खराब होने लगता है। गैस, कब्ज की समस्या, अपच की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, स्क्रू की समस्या, ग्रहणी की समस्या, माल अब्जॉर्प्शन की समस्या, मोटापे की समस्या, ज्यादा चर्बी की समस्या, दुबलेपन की समस्या इसी कारण से होती है। आगे मैं आपको समझाता हूं कि इन सब चीजों के खाने से होता क्या है। इन सब चीजों के खाने से वात पित्त की विघटता होती है। क्या होता है? वात हमारे शरीर में पाचन की मुख्य कर्ता होती है। वात हमारे शरीर में पाचन कराती है। एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कहीं पर आग लगानी हो, आग लगाई आपने, वहां पर यदि हवा चल रही है तो आग जल्दी लगेगी, यदि हवा नहीं चल रही है तो आग उतने जल्दी नहीं लगेगी। वैसा ही वात का कार्य रहता है। वात शरीर में अच्छी मात्रा में है, ना ज्यादा मात्रा में है ना कम मात्रा में है, तो पित्त जो है वो भी सम्यक रहेगा, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या जो हमारे पाचक जूसेस हैं, जो अम्ल रस निकलता है शरीर से, जो पचाने के कार्य आता है खाने को, वो भी अच्छे से निकलेगा और पाचन अच्छे से होगा। वात यदि सही नहीं है तो पित्त भी सही नहीं रहेगा, और पित्त यदि सही नहीं है, पित्त या कम मात्रा में है तो खाना पचेगा तो पर जो रस बनेगा वो अधपका रस बनेगा, और उस अधपके रस से आगे की धातुएं रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये परिपोषित नहीं होंगी, अच्छे से नहीं बनेंगी, तो शरीर भी क्षीण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, चर्बी ज्यादा बनेगी और डायबिटीज की समस्या होगी, इंसुलिन कम निकलेगा उसके बाद, या फिर दुबलापन बहुत ज्यादा होगा, अफारा बना रहेगा, पेट में भारीपन, गैस होना, शरीर में भारीपन, आलस्य बना रहना, पसीना ज्यादा आना, किसी काम में मन न लगना, ये सब चीजें होंगी। या तो एसिडिटी हो जाएगी या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें वात पित्त की विघटता कैसे होती है मैंने आपको समझा दिया। अब वात पित्त की यदि विघटता हुई तो कफ व आम यानी कच्चे रस का बनना, ये मैंने आपको बताया, यदि पित्त कम मात्रा में बन रहा है तो रस जो है वो कच्चा बनेगा, शुद्ध रस नहीं बनेगा, खाना पचने के बाद जो एब्जर्व होगा न्यूट्रिशन वो शुद्ध नहीं बनेगा, वो शुद्ध ना बनने के कारण खून शुद्ध नहीं बनेगा और सही मात्रा में नहीं बनेगा, फिर उसके कारण आगे की धातु में मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र यानी सातवी धातु यानी आपके पूरे सिस्टम जो है वो प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, अकेले पाचन के सही ना होने से पूरा शरीर प्रभावित होता है, हमारे शरीर के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा मस्तिष्क, सोचने की क्षमता, क्रियाशीलता, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ प्रभावित होती है। तो पाचन सम्यक होना चाहिए। तो अब क्या बना? कफ व आम यानी कच्चे रस का बनना। कफ ज्यादा मात्रा में बन रहा है, आम ज्यादा बन रहा है, तो लैट्रिन के साथ भी वही चिपचिपा पदार्थ आता है, खाना ढंग से नहीं पचता, डकारें आती हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इनके कारण से पेट में गैस बनना, कब्ज होना, भारीपन होना, ज्यादा अम्ल यानी एसिडिटी होना, मरोड़ होना, अतिशार यानी कि डायरिया या दस्त मोशन, लूज मोशन, ग्रहणी, स्क्रू सिंड्रोम या माल एब्जॉर्प्शन, और अपच, कॉन्स्टिपेशन, अफारा, और ये सब शिकायतें होती हैं। इसके अलावा भी अन्य शिकायतें होती हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है या फिर दुबलापन उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरी चीज, अत्यधिक मोटापा यानी चर्बी, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बनता है, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ना बनके लो डेंसिटी एलडीएल ज्यादा मात्रा में बनता है, उसके बाद फिर थायराइड की समस्या है, उसके बाद फिर शरीर का मोटा होना, फिर शरीर में घबराहट होना, फिर किसी काम में मन न लगना और उत्साह ना रहना, पाचन सही ना होना, दिनों दिन शरीर का कमजोर होते जाना, अंदर से चर्बी का बढ़ना या चर्बी का घटना, डायबिटीज हो जाना और हृदय रोग आदि की समस्याएं हो जाना, सारी समस्याएं होने लगती हैं केवल इस पाचन की दुरुस्तगी ना होने के कारण। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। फिर आलस्य और अन्य लक्षण होते, तो अन्य लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब ये बहुत ही विस्तृत मैंने आपको समझा दिया कि क्यों होती है पाचन की समस्याएं। यदि आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिंदगी में अभी आपको कभी पाचन की समस्याएं ना हो, तो आपको बचाव क्या करना है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो क्या बचाव करना है? सही समय पर सही मात्रा में सम्यक सही उचित भोजन करना चाहिए। सही समय पर खाना खाइए,
आपके भोजन के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। जैसे आप 12 बजे खाना खाते हैं तो आपको 8 बजे 7 बजे 6 से 8 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग होते हैं जो 10 बजे खाना खाया, फिर 3 बजे खाया, फिर 6 बजे खाया, फिर 10 बजे खाया, मतलब खाना मिलता जाए वो खाते जाएंगे, ये गलत है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें 10 बजे सुबह खाना खाया, रात के 12 बजे खाना खा रहे हैं, ये गलत है। कुछ लोग होते हैं खाना खाया और उसके तुरंत बाद खाना खाया, ये गलत है। और कुछ लोग होते हैं जो देर रात खाना खाते हैं, ये भी गलत है। यानी सही समय पर आप खाना खा लें, हो सके तो 10 से 12 बजे के बीच में सुबह खाना खा लें, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में खाना खा लें, और खाना खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पिएं, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पिएं, और खाने के तुरंत बाद 100 से 500 कदम जरूर टहलें, ठीक है। उसके बाद ऐसा खाना खाएं जो शरीर के लिए अच्छा है। आप विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स ज्यादा और जो फैट है इनकी संतुलित मात्रा लें। ज्यादा एक ही चीज मत खाइए, जैसे चावल ही चावल कई लोग खाते हैं, ये मत करिए। रोटी रोटी कई लोग खाते हैं, सब कुछ मिला जुला खाइए, स्प्राउट्स खाइए, सब कुछ मिला जुला खाइए। सभी चीजों की शरीर में पूर्ति होनी चाहिए। फल फूल खाइए, फल खाइए, ऑरेंज खाइए, बनाना खाइए, आप सेव खाएं, आप अनार खाएं, भाजी पपीता आदि खाएं, उसके बाद आप सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स खाएं, और आप दालों का ज्यादा सेवन करें, स्प्राउट्स का ज्यादा सेवन करें, मिर्च मसाला कम खाएं, खटाई कम खाएं, जंक फूड्स कम खाएं, ऑयली फूड्स कम खाएं। तो ऐसा भोजन जो शरीर को चुस्ती फुर्ती देता है, दुरुस्तगी देता है, वो भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं जो आपको थका देता है, या फिर आपके शरीर में मोटापे या दुबलेपन का कारण बनता है, या कब्ज जैसी शिकायतें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स की कारण बनता है, वो भोजन नहीं करना चाहिए। अब उचित निद्रा लें। दोस्तों, 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है। आप 6 से 8 घंटे के बीच जरूर सोइए। यदि आप नहीं सोते तो खाना भी नहीं पचता, आपका शरीर भी फ्रेश नहीं रहता, मूड भी फ्रेश नहीं रहता, आलस्य छाया रहता है, और यदि निद्रा सही ढंग से पूरी नहीं होती तो वो आपके 2-3 दिनों को तो वैसे ही बर्बाद कर देती है। तो निद्रा यानी नींद, जो स्लीपिंग है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लगभग 6 to 8 hours की स्लीप जरूर होनी चाहिए। व्यायाम करना है आपको, यानी एक्सरसाइज करना है, लाइट व्यायाम करिए सुबह शाम, या हैवी कर सकते हैं हैवी करिए, लाइट व्यायाम करना है, योग वगैरह जरूर करें, सूर्य नमस्कार करना, कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, पुशअप्स करना, चलना फिरना, और साथ में दूसरे व्यायाम, सरल से व्यायाम करना, योग प्राणायाम करना आपके लिए बहुत हितकर है, जरूर करिए। इससे ये समस्याएं पैदा नहीं होती, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये थे बचाव। अब बचाव के बाद आपको जो, यदि ये चीजें हो ही गई हैं, आप शुरू से इन चीजों के आदि रहे हैं, हो गई हैं, तो अब क्या करें? तो अब आपको मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, जिसे ध्यान पूर्वक देखें। ये वो ट्रीटमेंट है जो पाचन की सारी समस्याओं को पूर्णतः समाप्त कर देता है, यदि सम्यक प्रकार से और पथ्य का सेवन करते हुए, यानी मिर्च मसाला खटाई ज्यादा आपको नहीं खानी, तेल वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी, मूंग की दाल रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव आदि का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, और व्यायाम करना है। उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट लेना है, वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए कॉमन ट्रीटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, उसका सेवन करने से आपको विशेष फायदा मिलेगा, विशेष चिकित्सा पत्रक आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक देखिए और इसको नोट कर लीजिए। कैप्सूल एमली क्योर डीएस, कैप्सूल एमली क्योर डीएस, एमएल फार्मा, एमएल कंपनी का ही आता है, कैप्सूल एमली क्योर डीएस। टैबलेट लिम 52 डीएस, ठीक है।
चित्रकारी वटी लिप्त की टू डी एस हिमालया की आती है, हिमालया ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चित्रकारी वटी डाबर, चित्रकारी वटी आपको लेनी है डाबर या बैद्यनाथ की, और प्रवाल पंचामृत आपको लेना है डाबर या बैद्यनाथ का। ये चारों चीजें, ये चारों चीजें एक 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 गोली साथ में मकोए स्वरस से, मकोए स्वरस या मकोए जूस आपको आराम से किसी भी अच्छी फार्मेसी का मिल जाएगा, किसी आयुर्वेदिक दुकान पर या पंसारी के यहाँ। तो ये चारों मकोए स्वरस से खाने के 20 मिनट पहले सुबह शाम आपको लेना है, एक 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 चारों, एक एक कैप्सूल, एक गोली, एक गोली, एक गोली, ये चारों कैप्सूल। एनवीपी और डीएस जो है वो पाचन में, पाचन तंत्र की सारी समस्याओं में बहुत अच्छा कार्य करता है। साथ ही टैबलेट लिप 52 डीएस फेमस है पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए, तथा चित्रकारी वटी और प्रवाल पंचामृत पाचन की सारी समस्याओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध औषधियां हैं आयुर्वेद। ये चारों का सेवन आपको करना है खाने के 20 मिनट पहले, एक 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 गोली साथ में सुबह शाम मकोए स्वरस से लेना है। अब दूसरी चीज, खाने के 2 घंटे बाद आपको पंचारिष्ट झंडू की, कुमारी आशा डावर या बैद्यनाथ की, तथा पुनर्नवारिष्ट डावर या बैद्यनाथ की 2-2 चम्मच 1 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम आपको लेना है। ये दूसरी चीज हो गई। और रात में सोने के पहले, त्रिफला चूर्ण सत ईशक गोल या किसी भी फार्मेसी का ईशक गोल, त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, किसी का भी, तो ये दोनों एक एक चम्मच दोनों मिला लेना है, मिलाकर 1 कप गुनगुने पानी से, गुनगुने पानी से आपको खाना है। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का अंतिम पड़ाव, यानी कि ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इससे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इस चीज का, चाहे किसी भी प्रकार की पाचन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, यह ट्रीटमेंट लेने पर आपकी पाचन की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो मैंने बनाया है यह, जो कि सारे टॉपिक्स को कवर करता है, पाचन तंत्र की होने वाली सारी समस्याएं, जो पेट से रिलेटेड सारे इश्यूज हैं, सारी समस्याएं हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या कारण होता है, बचाव क्या होता है, और फिर लास्ट में ट्रीटमेंट क्या होता है, वह सब कुछ मैंने क्लियर किया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक और फैमिली मेंबर्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। और दोस्तों यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन घंटी का निशान जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे जादुई नुस्खे, ऐसा बेहतरीन ट्रीटमेंट, बचाव के नियम, सब कुछ, ऐसे जादुई नुस्खे और ऐसे मैजिकल वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। लाइव क्लिनिक सेशन भी आता है मेरा, तो ये सब चीजें आपको मिल सके, कहीं आप मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। और यदि आप मुझसे दवाइयां मिलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं अपना नंबर दे रहा हूं, इस पर अपनी सारी समस्याएं, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें सारी अपनी समस्याएं, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें। जब मैं देखूंगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है। 1 माह की दवा की कीमत एडवांस पेमेंट करने पर सेकेंड डे आपको दवा भेज दी जाती, तो इस प्रोसीजर के तहत आप मुझसे दवाइयां बुलवा सकते हैं। आप अपना कीमती समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और मेरे चैनल पर इतना विश्वास जताने के लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।